KGF यार भाई ऐसी लीजेंडरी मास्टरपीस सुपर हिट जैसी वर्ड भी इस मूवी के लिए छोटी शब्द है। इनफैक्ट इसे सिर्फ मूवी कहना इस मूवी का बेइज्जती होगा, इसे हम ऑडियंस हाई लेवल की इमोशंस कहेंगे। इस मूवी का शुरुआत कहां से करें भाई, रॉकी सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। ऐसा वैसा ब्रांड नहीं जिसे सिर्फ रॉकी क्या चीज है इसे पता लगाने के लिए मूवी के कैरेक्टर को 25 साल लग गए। रॉकी भाई जिसे पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी नेवी यहां तक कि एयरफोर्स की कंबाइंड पावर इनके मिसाइल का सहारा लेना पड़ा। तो सोचिए रॉकी भाई क्या चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का रिव्यू। भाई सच बात बताएं तो ऐसी लीजेंडरी मूवी का रिव्यू नहीं देखा जाता, सीधा एक्सपीरियंस किया जाता है। सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं भाई, कोई फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जिस मूवी को हम ऑडियंस 4 सालों से सबरी से नहीं बेसब्री से इंतजार किया है, तो क्या बताएं इस फिल्म के बारे में कोई शब्द नहीं है हमारे पास। वो स्टार्टिंग में यश भैया की वो चॉपर से वो उतरने वाली एंट्री, फुल स्वैग एंड टसन के साथ वो चश्मे उतारने का सीन, इन सभी के बीच वो कानों को सुकून देकर पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े करने वाली वो बैकग्राउंड म्यूजिक भाई दिलो दिमाग के साथ पूरे रगो रगो में उतर जाती है। तारीफ करनी होगी इनके डायरेक्टर की इमेजिनेशन को, इन्होंने क्या ही मूवी को कोरियोग्राफ करके वो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस कराया है। ऐसे लेजेंडरी डायरेक्ट को दिल से सैल्यूट है ऐसी कंटेंट हमारे सामने रखने के लिए। इस फिल्म की रीड की हड्डी बैकग्राउंड म्यूजिक और सबसे बड़ी बात सिर्फ नाम नहीं ब्रांड, हम सभी के चहेते इस फिल्म की धड़कन रॉकी भैया की। इन्होंने क्या एक्टिंग किए हैं, क्या ही स्वैग है उनका, दिलो दिमाग में बस गया यार। सच बात बताए तो हम जा रहे हैं अपना नाम चेंज करके रॉकी भैया रखने। क्या करे भाई, इनका स्वैग इनका एटीट्यूड हमारे अंदर आ गया। इधर दूसरी ओर फिल्म के विलेन संजय दत्त एज अ अधीरा, भाई क्या ही बताए इनकी जल्लादी गिरी तो नेक्स्ट लेवल की थी। ऐसी मूवी में विलेन दमदार होना भाई तो उस मूवी का एक्सपीरियंस को बताया नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और दूसरी ओर वो रवीना टंडन की वो पॉलिटिकल एंट्री यार, ट्रेलर देख के लगा कि KGF और हमारे रॉकी भैया का नैया यही डुबाएगी। आगे नहीं बता सकते, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जितनी भी इनकी स्क्रीन ऑन टाइम रहा नेक्स्ट लेवल का था। हर एक एक कैरेक्टर अपना 100% दिए हैं। ऐसी मूवी को सेलिब्रेट किया जाता है थिएटर में, अब बेहिचक जाकर देखिए, आपके लिए भी रॉकी भैया सिर्फ नाम नहीं ब्रांड बन जाएगा। ऐसी मूवी का नेगेटिव पॉइंट क्या निकाले, अगर एकाध नेगेटिव पॉइंट निकाल भी दे तो मूवी देखने के बाद हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनके फैंस सिर्फ गालियां भर देंगे, औरों को छोड़ो हम खुद देंगे। एक बात और भाई, मूवी खत्म होने के बाद सीट से उठकर जाना नहीं, कैरेक्टर क्रेडिट के बाद एक सीन है उसे मिस मत करिएगा। अगर मेरा बस चलता तो भाई मैं अभी से इसके चैप्टर 3 के लिए टिकट बुक कर लेता। मूवी को देखिए, ऐसी इंडियन मूवी को थिएटर में नहीं देखिएगा तो क्या देखिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा इस मूवी को कौन कौन थिएटर में एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कौन कौन करने वाले हैं, जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।